आलू के पराठे के लिए मैंने सबसे पहले आलू बॉईल कर लिए थे, अभी मैं इनको छील लेती हूँ। अभी हम इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। मैं फोक की हेल्प से मैश कर रही हूँ बिकॉज आलू अभी बहुत ही गर्म। मैं इसमें सबसे पहले 1 टेबलस्पून नमक डालूंगी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी, 1/2 टेबलस्पून अमचूर पाउडर, कद्दूकस किया हुआ अदरक, फाइनली चॉप्ड हरी मिर्च और लास्ट में बारीक कटा हुआ धनिया। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आलू के पराठे के लिए अब हम आटे का डो रेडी कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक डालूंगी और 1 टेबलस्पून ऑयल, और इन सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी मिला के हम आटे को गूंद लेंगे। हमारा आटा गूंद चुका है, हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। पहले सूखे आटे में कवर करेंगे अच्छे से और इसको पूड़ियों के साइज का बेलेंगे। दो चम्मच आलू ऐड करूंगी, आलू का मिक्सचर। आलू के पराठे में जितने अच्छा मिक्सचर होता है, जितना ज़्यादा होता है, उतने ही अच्छे आलू के पराठे लगते हैं। तो अब हम इनके एजेस को अच्छे से कवर कर लेते हैं, अच्छे से बाइंड कर लेते हैं आपस में, और अब हम इसको अच्छे से बेलेंगे। तो सबसे पहले मैं सूखे आटे में डस्ट में इसको अच्छे से कवर कर लूँगी और अब मैं इसको अपने हाथों की, अपनी उंगलियों की मदद से इसको जितना स्प्रेड कर सकती हूँ उतना स्प्रेड करूँगी और अब हम इसको बारीक हाथों से बेलेंगे। तो मैंने तवे को पहले अच्छे से गर्म कर लिया था, अब मैं पराठों को इसमें सेकूंगी। पहले हम दोनों साइड को बिना ऑयल के अच्छे से सेकेंगे और फिर दोनों साइड हम थोड़ा थोड़ा घी या ऑयल लगा के, जो आप प्रेफर करते हैं, हम उनको मीडियम आंच पे अच्छे से सेक लेंगे। आलू के पराठों को अच्छे से सेकने के लिए आपको घी लगाने के बाद उनको बराबर से बार बार पलट पलट के अच्छे से सेकना है, तभी वो एजेस और कॉर्नर से अच्छे से सिकेंगे। इसी तरह से हम अपने दूसरे पराठों को भी रेडी कर लेते हैं। आपको देखना है, आपको घी को अच्छे से लगा के उन पराठों को धीरे धीरे सेकना है। आप ज़्यादा आंच पे इसको मत सेकिएगा, मीडियम और लो आंच पे आप अगर अपने पराठों को सेकेंगे तो आपके पराठे बहुत क्रिस्पी भी बनेंगे और साथ साथ फूलेंगे भी। आपको मेरे आलू के पराठे की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।